नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही मुफ्त है। आज का पाठ हमने लिया है रिमझिम भाग 5 से। पाठ का शीर्षक है चावल की रोटियां। बच्चों, ये एक नाटक है, इसका पात्र परिचय करवा देते हैं। कोको एक 8 साल का बर्मी लड़का है। मिनी एक 9 साल का बर्मी लड़का है। टिनसू एक 8 साल का बर्मी लड़का है। और मिमी 7 साल की बर्मी लड़की है। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक है। इस नाटक में कोको एक लड़का है जिसकी माँ उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर गई है और वह चावल की रोटियों को अपने दोस्तों के साथ बांटकर नहीं खाना चाहता, लेकिन अंत में चावल की रोटियां उसे भी नहीं मिलती हैं। कोको स्वयं से बात करते हुए, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको स्वयं से बात करते हुए, आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको स्वयं से बात करते हुए, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मिनी आवाज देता है, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिनी। कोको स्वयं से बात करते हुए, गजब हो गया, यह तो भूखा मिनी है। इसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। मिनी फिर आवाज देता है, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको स्वयं से बात करते हुए, मैं इन्हें कहां छिपाऊं। रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। फिर जोर से आवाज देता है, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको दरवाजा खोलता है, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। मिनी, क्या ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। मिनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। मिनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था, भाई मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। टिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है
एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। पोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका? मीमी बाहर से आवाज लगाती, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मीमी। पोको स्वयं से बात करते हुए, बाप रे ये तो मीमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मीमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको स्वयं से बात करते हुए, कहां छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देख, ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दो। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मीमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मीमी दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा, कोको बात को बीच में ही काटते हुए, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी एक भी नहीं बची? कोको सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भरा है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं चार पापड़ लाई हूँ, दो तुम्हारे लिए दो अपने लिए, सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर अपने से कहता है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और दो कप उठा लाता है, मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको खुद से बात करते हुए, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे कि मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज है? कोको आवाज? कैसी आवाज? मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज, ये फिर हुई, सुना तुमने? कोको ये हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक, कोको कौन? टिनसू मैं हूँ, टिनसू। कोको उठने लगता है, मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है, टिनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। टिनसू आहा मिमी भी यहाँ है। मिमी आओ टिनसू। टिनसू मेज के पास जाकर, हेलो कोको क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको हेलो टिनसू। मिमी और टिनसू मेज के पास बैठते हैं। मिमी टिनसू से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। टिनसू केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी
मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ-पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी, कप देकर, ये लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको खुद से बात करते हुए, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, ये लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको खुद से बात करते हुए, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, ये आवाज कैसी? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है, कोको कहता है वही ये आवाज करता है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओहो मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर खुद से बात करते हुए, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक देती है। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा, जोर से बोलते हुए। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज कैसी है? तिनसु, ये चूहे की आवाज है, अक्सर ये आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से खुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है,
उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर। हाँ, वह रहा। कोको, क्यों? फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी, तिनसू, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा स्वगत, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। धन्यवाद बच्चों, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। नमस्कार।